कभी आईसी वगैरह पे काम किए आने से मैं पहले? आईसी पे कभी नहीं काम किया मैं, यहीं आके रिबॉलिंग जी सीखे? यहीं पे, यहीं पे रिबॉलिंग सीखा हूँ। और डबल डेकर का नाम सुनते ही डर लगता था, वो डर निकल गया आज। और ये भी सिर्फ 10 दिन का आउटपुट है मेरे भाई। अगर किसी भी भाई को अभी भी अगर लग रहा हो ये थोड़ा बहुत भी फेक लग रहा हो, नहीं, 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 तो नहीं। आप इनसे आके मिल सकते हैं। एक बार दोबारा क्लैप्स करो वो इनके लिए, जोरदार, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ही पूछ लेते हैं, सर कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस? आपने कहा था मैं लाइव बना के दिखाने वाला हूँ और आप 10 दिन में आपने डुअल डेकर करके दिखाया जी। तो इजी रहा बनाना या थोड़ा मुश्किल रहा? सागर सर और सर है इसलिए इजी रहा, ओके, तो पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, तो जो कॉन्फिडेंस है आज आपने मतलब वो कैमरे पे आप बताया कि मैं करके दिखाऊंगा, इसी कॉन्फिडेंस से आगे भी करने वाले हैं आप? जी। कौन से इंस्टीट्यूट में सर आप? या फोन फिक्स में जी। अगर कोई आना चाहता है तो क्या एडवाइस देंगे आप? पक्का आना चाहिए इधर ही, बाकी इंस्टीट्यूट का तो नहीं पता मुझे जी। यहाँ पे जो डिटेल से सिखाया है इन्होंने, ओके, वो कोई लाइन से नहीं सिखाते हैं, बस ओके। आईसी निकालना, आईसी लगाना, यही बताते हैं, बाकी जो लाइन से क्यों आईसी निकालना है वो यही पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि लाइव डुअल डेकर सीपीयू बनाते हुए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे साथ समीर जी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहां पे साथ में खड़े हुए हैं। और ये जो स्टूडेंट है बिल्कुल फ्रेशर थे, जब फर्स्ट जब आए थे कभी इन्होंने काम नहीं किया था। सबसे पहले इनको रिबॉलिंग सिखाई गई, उसके बाद में हमने इनसे विदाउट पेस्टेड पे काम करवाया, फिर ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड पे काम करवाया, उसके बाद यहाँ पे एक डुअल डेकर सीपीयू लाइव बनाते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए कि क्या बच्चों को बिठा कर वहाँ पर काम करवाया जाता है कि सिर्फ टीचर ही बताते हैं। दोस्तों, इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि घूम रहे हैं इंस्टीट्यूट घूम रहे हैं, उसके बाद भी वापस वो हमारे पास आते हैं, तो ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि एक जगह पे सीखने उनको मिलता नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सिर्फ करके दिखाएंगे लेकिन आपसे नहीं करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि स्टूडेंट से करवाना चाहिए, क्योंकि आपके काउंटर पे जा कर के आपको काम करना है। आप लोग जब इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हो तो आप ये देखते हो कि टीचर कैसे काम कर रहे हैं। दोस्तों, टीचर तो काम कर लेते हैं लेकिन स्टूडेंट को काम करना आना चाहिए। आप टीचर का हैंड स्किल okay. देखते हैं, उनके वीडियोस really? देखते हैं या तो फिर उनका काम देखकर इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, बट आप जा कर के आप खुद काम कर नहीं पाते आने के बाद भी, फिर आप ऐसे में सोचेंगे कि सारे इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये देखिए कि क्या वहाँ पे हर स्टूडेंट से काम करवाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जो बच्चे सीख कर गए हैं आफ्टर कोर्स, उनका रिजल्ट कैसा है, क्या वो अपने काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फॉल्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पेस्टेड आईसी पे वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सर्किट डायग्राम की उनके पास नॉलेज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपको देखने आनी चाहिए। क्या वन शॉट में आप आईसी रिवॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक फ्रेशर बच्चे से डुअल डेकर सीपीयू टोटली हमने इन्हीं से करवाया, सीपीयू वगैरह खुलवाया इनसे और वापस यही रिवॉल्व वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा मैं यहाँ पर ले नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि कोई फेक वीडियो है। हमने सामने समीर जी को यहाँ पे लाइव बिठाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बोर्ड के ऊपर हमने साइन करवाया और सामने लाइव बनवा के बता रहे हैं। ये फ़ोन फिक्स एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई फेक चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगी। दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे कम फीस हमने रखी है, हमारा कोर्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमसी हम सिखाते हैं, जिसके अंदर एक पूरी टीम है हमारी, और रहने के लिए रूम फ्री हम देते हैं आपको, और फ्लैश फाइल वगैरह फ्री देते हैं, मदरबोर्ड फ्री देते हैं वर्क करने के लिए। दोस्तों, शायद ही इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में आपको इतना सब कुछ इतने कम फीस में मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कम फीस भी रखे हैं और आप कम फीस देखकर चले जाते हैं लेकिन आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलता है, फिर उसके बाद आप काम नहीं कर पाते हैं, फिर को आपको एक कोई एडवांस कोर्स लेना पड़ेगा।
हज़ार किस्म के नाम आपको कोर्सों के देखने मिल जाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि ये एडवांस वाला कोर्स भी करिए, पहले आपसे बेसिक कोर्स करवाया जाएगा, फिर आपको एडवांस कोर्स के बारे में बोलेंगे, फिर आप वो कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद भी आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टीचर करके दिखाएंगे, आपसे करवा नहीं सकते हैं वो लोग। यही एक रीज़न है कि आप वापस से फिर दूसरे इंस्टीट्यूट को जाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छा ये है कि आप अच्छे से चूज़ करिए, देखिए कौन से इंस्टीट्यूट को आप जाना है, कहाँ जाना है, आपका मेहनत का पैसा है, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो ये ज़रूर देखिए कि आपको किस इंस्टीट्यूट किस ट्रेनिंग सेंटर को जाना है। दोस्तों हैदराबाद जो है तेलंगाना का एक कैपिटल सिटी है, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को दूर पड़ जाए, एक बार तो आपको आना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार आएंगे और 20 दिन जब आप हमको दे देंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसके बाद आप जा करके बहुत अच्छे लेवल पे काम कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बट ये मत देखिए कि इंस्टीट्यूट दूर है। दोस्तों अच्छे से अगर आपको सीखने मिल जाता है एक बार में, तो आपका तो पैसा ऐसे ही डबल हो जाएगा, ऐसे ही निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि फ्रेंड्स आप पास के इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको सीखने नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको तो आना ही पड़ेगा किसी दूर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप काउंटर पे बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम वापस जा रहा है, तो ऐसे में आपको तो अपडेट होना ही पड़ेगा, तब आप जा करके आप दूर के इंस्टीट्यूट को भी जाएंगे। तो सबसे बेटर ये है फ्रेंड्स के नज़दीक में कौन सा इंस्टीट्यूट है, पास में कौन सा इंस्टीट्यूट है, फेमस कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये मत देखिए, आप ये देखिए कि काम कहाँ पर अच्छे से करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स फ़ोन फिक्स हैदराबाद के जितने भी वीडियो से आप देखिए, यहाँ पे सारा जेन्यून होता है, कोई फेक वीडियो नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे सामने लाइव बनाते हैं हमारे यहाँ पे, और ये जो हैंडसेट है ये भी स्टूडेंट का ही हैंडसेट है। हमारे यहाँ पे जो भी काम करवाते हैं हम लाइव करवाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का कोई भी यहाँ पे फ़ोन नहीं रिपेयर करते हैं, जितने फ़ोन रिपेयर होते हैं सारे के सारे स्टूडेंट के होते हैं, वो भी लाइव होते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से लेकर के फॉल्ट को फाइंड आउट करके रखे हैं या ट्रेस करके रखे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट काम करते हुए और टीचर साथ में उनको एक एक चीज़ को गाइड करते हुए, एयर हीट और सब कुछ उनको हेल्प करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसमें इस तरह से किसी एक मास्टर के साथ आप ठहर के जब काम सीखते हैं, तो फ्रेंड्स आपका लेवल एक अलग ही लेवल पर चले जाता है। सिर्फ यूट्यूब देख देख कर काम करेंगे या फिर जाकर टीचर को काम करते हुए देखकर आप वापस आएंगे, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स, जब तक के आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। दोस्तों अगर बात बताऊँ आपको, सिर्फ स्विमिंग की किताबें आप पढ़ रहे हैं लेकिन पानी में आप छलांग नहीं मारे हैं, सिर्फ साल भर से पढ़ रहे हैं, तो आपको तैरना बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिकल ने खुद से नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक काम में ऐसे ही है कि खुद से करना होता है हमको। नेक्स्ट बैच फ्रेंड्स हमारा जून 27 से है, आप चाहे तो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, आज ही बुक करिए और आज ही आ जाइए देश के सबसे बेहतरीन बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। दोस्तों ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है, फ्लैश फाइलें आपको फ्री दी जाती हैं, मदरबोर्ड फ्री दिए जाते हैं, रहने के लिए रूम फ्री दिया जाता है, और फ्रेंड्स एक बहुत ही कम फीस हमारी रखी गई है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईमएमसी प्रोग्रामिंग आपको 20 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 10 घंटा क्लास होती है, 8 घंटा आपका हैंड स्किल ऊपर वर्क कराया जाता है, 2 से 3 घंटा सर्किट डायग्राम आपको पढ़ाया जाता है, लाइन ट्रेसिंग फॉल्ट फाइंडिंग और सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, डायग्राम्स आपसे बनाए जाते हैं, आईसी की एक एक बॉल की डिटेलिंग आपको बताते हैं। शायद ही देश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर होगा फ्रेंड्स, जो कि हर बच्चे से ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड डुअल डेकर सीपी यहां पे डन करवाता होगा। दोस्तों सिर्फ बातें नहीं, हमारे यहाँ पे काम होता है, काम आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। ये बच्चा अभी पहले से फ्रेशर है, ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसी रिबॉलिंग वगैरह आती थी उनको, यहाँ पे जब आए थे तो माइक्रोस्कोप में भी देखने नहीं आता था फ्रेंड। 10 दिन के अंदर उनको ऐसा ट्रेन किया गया है कि आज ये बैठ के डुअल डेकर लाइव सबके सामने बना रहे हैं। दोस्तों ऐसे लेवल पर जब आप सीख जाते हैं तो मार्केट के आप
एक अच्छे लेवल पे काम करने लग जाते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और जितने भाई हमारे वीडियो देखते हैं उन सबको मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। ज़रूर नीचे कमेंट करें हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जो भी टेक्नीशियन भाई अच्छे से काम सीखना चाहता है वो आ सकता है फ़ोनफिक्स हैदराबाद, अपने आप को अपडेट कर सकता है, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है, अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, अपना मेहनत का पैसा डूबने से बचा सकता है। दोस्तों बहुत सारे इंडिया के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके हैं, आप लोग कंफ्यूज है कि जाए तो कहाँ पे जाए, और ऐसे में आप कहीं भी जा रहे हैं आपको चूज़ करने नहीं आ रहा है किस इंस्टीट्यूट को आपको जाना है। दोस्तों कहीं भी जाइए, अपने साथ कुछ हैंडसेट लेकर जाइए और टीचर को लाइव बनाकर बताने ज़रूर बताइए, उनको हाथ में सामने मोबाइल दीजिए, अपना मोबाइल बना के बताने के लिए ज़रूर दीजिए, ताकि देखिए कि टीचर क्या है आपका मोबाइल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों अगर वो आपके मोबाइल नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ज़रूर अपने साथ कुछ सेट्स लेकर जाइए, टीचर को लाइव बनाने के लिए बोलिए, चाहे वह डुअल लेकर हो, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो, चाहे डेड मोबाइल हो, चाहे नेटवर्क फॉल्ट हो, चाहे चार्जिंग का फॉल्ट हो, चाहे लाइट का फॉल्ट हो। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हम हर बच्चे से 10 से 15 हैंडसेट मंगाते हैं और लाइव क्लास के अंदर ट्रेसिंग करके उसको रिपेयर करके बताते हैं, और आप ही से काफ़ी सारे हैंडसेट हम बनाने लगवाते हैं जब हमारी क्लास हो जाती है, जब सेक्शंस हो जाते हैं, जब जिस दिन जो सेक्शन होता है उस दिन हम आपसे वही वाले प्रॉब्लम रिलेटेड मोबाइल्स को मंगवाते हैं और आपसे लाइव रिपेयर करवाते हैं। तो फ़ोनफिक्स हैदराबाद आज ही जुड़ जाइए फ़ोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ, देश का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर फ़ोनफिक्स हैदराबाद जो कि तेलंगाना के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, आप आ सकते हैं, रहने का कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से आपको काम सिखाया जाएगा जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। हमारा ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच जून का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से उसमें सीट बुक कर लीजिए, फ्यू सीटें लेफ्ट है जून बैच में। वन मंथ बिफोर आपको सीट बुक करनी होती है फ्रेंड्स, इमीडिएटली यहाँ पर सीट नहीं मिलती है, हम लिमिटेड सीटें यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ पर ओनली 20 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, ज़्यादा बच्चों को हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कम बच्चों को सिखाएंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रैम इन्होंने लगा लिया है, सीपीयू और रैम दोनों आपके सामने लाइव इन्होंने लगाया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे। तो चलिए इस हैंडसेट को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि इनका हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है, और वीडियो अच्छा लगा जरूर नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे जाइए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए फ्रेंड, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। बताओ इधर थोड़ा आ गया चार्जिंग लोगो, आ गया थोड़ा ऑन भी कर दो अभी, परसेंटेज आन दो, परसेंटेज आता रुको वेट कर, बना दिया हेलो हेलो दो मिनट में आपका चार्जिंग लोगे, ठीक है वेट करो। दो मिनट टाइम लेता चार, ठीक है वेट करो। आ गया परसेंट, परसेंटेज तो आ गया, 1% आया तो ऑन कर देना। दो लाइनों को ट्विटर मिला दो बस। हेलो खुल गया, एक बार दोबारा क्लैप्स करो वो इनके लिए, जोरदार क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ही पूछ लेते हैं, सर कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस, आपने कहा था मैं लाइव बना के दिखाने वाला हूँ और आप 10 दिन में आपने डुअल डेकर करके दिखाया जी, तो इजी रहा बनाना या थोड़ा मुश्किल रहा? सागर सर और सर इसलिए इजी रहा, okay. तो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल। तो जो कॉन्फिडेंस से आज आपने मतलब वो कैमरे पे आप बताया कि मैं करके दिखाऊंगा, इसी कॉन्फिडेंस से आगे भी करने वाले हैं जी? पक्का पक्का ना,
देखो अगर आप अच्छा करोगे बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आंख में पानी आ रहा क्या भाई तुम्हारे? खुशी से वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा, जब आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है हर स्टूडेंट के लिए, मेरा यही कहना है। देखो भाई फोन हमारा ऑन हो चुका है, अब काफी भाइयों को लग रहा होगा कि ये मदरबोर्ड चेंज कर दिया होगा, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ फोन फिक्स। आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है फोन फिक्स, और यहाँ पे जो साइन था वो एक्चुअली मिट जाता है, मिट गया उस, क्योंकि थिनर वगैरह भी लगाना पड़ता है। बाकी यही स्टिकर का स्क्रीन शॉट मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, जिससे आप मैच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहा सर आज आपको देख के, आपने किया बहुत अच्छा लगा। कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत बढ़िया। कौन से इंस्टीट्यूट में सर अभी आप? फोन फिक्स में जी। अगर कोई आना चाहता है तो क्या एडवाइस देंगे आप? पक्का आना चाहिए इधर ही, बाकी इंस्टीट्यूट का तो नहीं पता मुझे, पर यहाँ पे जो डिटेल से सिखाया है इन्होंने वो कोई लाइन से नहीं सिखाता है, बस आईसी निकालना, आईसी लगाना, यही बताते हैं। बाकी जो लाइन्स है क्यों आईसी निकालना है वो यही पे सीखने मिला है। तो आपने सिमेटिक जाने पूरा? जी। और सिमेटिक के अलावा जैसे डायग्राम कुछ बनाने होते हैं वो भी बनाकर देखे आपने क्या? चलिए बहुत अच्छी बात। पहले कभी आईसी वगैरह पे काम किए आने से पहले? आईसी पे कभी नहीं काम किया, यहीं आके रिवॉल्विंग सीखे। यही पे रिवॉल्विंग सीखा हूँ, और डबल डेकर का नाम सुनते ही डर लगता था, वो डर निकल गया। और ये भी सिर्फ 10 दिन का आउटपुट है मेरे भाई। अगर किसी भी भाई को अभी भी अगर लग रहा हो ये थोड़ा बहुत भी फेक लग रहा हो नहीं, नहीं, नहीं। तो आप इनसे आके मिल सकते हैं इनसे। तो ये दोनों बंदे, दोनों सर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनका भी कोई भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मेरी तो दुआ यही रहेगी आप इसी तरह से तरक्की आगे करते रहें, और सब भाइयों के साथ साथ अपना भी भला इसी तरह होता रहे। थैंक यू वेरी मच अमित।